पुलिस वाले भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज में बाकी लोग रहते हैं। तो लोग आखिर पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? सब जानते हैं पुलिस की जॉब 24/7 होती है। रोड पर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले हम 100 नंबर या 112 नंबर पर कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर पुलिस को विलन क्यों समझा जाता है? आखिर क्यों पुलिस वालों को चेक पोस्ट पर खड़ा देखकर लोगों को चिढ़ होती है? दोस्तों ऐसे बहुत से सवाल है जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। दोस्तों उन सवालों के आंसर देखने से पहले हमारे कुछ और भी सवाल हैं जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। क्यों हम कानून व्यवस्था का पालन करना जरूरी नहीं समझते? क्यों चेक पोस्ट पर जब हमें पुलिस खड़ी दिखती है तो हम वहां से भागने की कोशिश करते हैं? क्यों जब वो हमें पकड़ लेते हैं तो उस समय हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते? क्यों हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना लोगों की शान के खिलाफ है? क्यों पुलिस को रिश्वत देने पर मजबूर करते हैं हम? क्यों रेड लाइट जंप करते हैं? क्यों ओवर स्पीडिंग करते हैं? क्यों रॉन्ग साइड पर चलते हैं? क्यों हर फैसले का निपटारा हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए हमें रिश्वत क्यों ना देनी पड़े? और क्यों हम लोग कोर्ट और कानून की प्रक्रिया से बचते फिरते हैं? इन सवालों पर जब हम गौर करेंगे तो हमें बहुत सारे जवाब तो हमें खुद ही मिल जाएंगे। अब आते हैं असल समस्या पर। क्यों पुलिस की इमेज इतनी नेगेटिव है? दुनिया के हर क्षेत्र में भ्रष्ट लोग भरे पड़े हैं, सारे के सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं करप्शन जरूर है। आखिर पुलिस ही इतनी बदनाम क्यों है? उसी की इमेज इतनी नेगेटिव क्यों है? हमने जब इसके कारण ढूंढने के प्रयास किए तो हमें बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट्स मिले जिसके बारे में मैं तो पर्सनली कभी नहीं जानता था, और ऐसी उम्मीद है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग भी इसको ना जानते हों। भारत में 1,00,000 लोगों पर सिर्फ 130 पुलिस वाले हैं, जबकि US का स्टैंडर्ड कहता है कि 1,00,000 लोगों पर कम से कम 222 पुलिस वाले तो होने चाहिए। 18,000 से 20,000 रुपए महीने के लिए 24 घंटे नौकरी करने पर मजबूर रहते हैं ये लोग, जिसमें इनको कोई त्योहार की छुट्टी नहीं मिलती। और इनके अगर आप रहने का स्टैंडर्ड अगर आप देख लें तो मैक्सिमम कंपनीज में मजदूरों को भी इनसे ज्यादा अच्छी एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो कई साल पुरानी है। जो इनको हथियार और एम्यूनेशन दे रखे हैं वो सब आउटडेटेड है। और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का तो कहना ही क्या, पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से पुलिस की पावर कम से कमतर होती चली गई है। इनका जो इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट और फ्री नहीं है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाता, तो इसलिए क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो कभी टाइम पर पूरी नहीं होती। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वर्कलोड तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो मैन पावर है वो बहुत कम है। 769 लोगों पर सिर्फ एक पुलिस वाला है। सैकड़ों साल पुराना रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, इनफैक्ट अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। कॉन्स्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है, जबकि जो बाकी अदर स्किल्स हैं जैसे साइबर क्राइम हो गया या फॉरेंसिक हो गया या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गए, इन सब के बारे में बात या तो बाद में होती है या बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुलिस एक्ट 1861, जो कि सुपरिटेंडेंसी और जनरल कंट्रोल पर पूरी तरह से चुप है, जिसकी वजह से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पुलिस को अपनी तरह से यूज करती है। असल में पॉलिटिकल पार्टीज और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पुलिस के ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाए। अब बात कर लेते हैं मीडिया की। मीडिया ने भी पुलिस की इमेज को नेगेटिव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि आजकल तो फिल्में फिर भी अच्छी आने लगी जहां पर पुलिस की इमेज को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है, लेकिन 70s के दशक से अगर आप देखेंगे या फिर आज की फिल्में भी आप देखेंगे तो जो पुलिस वाले को अच्छा दिखाया गया है उसको कहीं ना कहीं करप्ट भी दिखाया जाता है। आप चाहे दबंग की सीरीज देख लीजिए, चाहे आप पुलिस गिरी देख लीजिए, चाहे आप सिम्बा देख लीजिए, एक सिंघम की सीरीज को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी जगह पर पुलिस की नेगेटिव इमेज को सबसे ज्यादा आगे लाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से पता है आपको समाज में कैसे कैसे मैसेज जाते हैं। पुलिस कभी भी घटना स्थल पर टाइम पर नहीं पहुंचती, पुलिस हमेशा करप्ट होती है, पुलिस गरीबों से ठीक से बात भी नहीं करती, पुलिस अपने काम को कभी नहीं करती, FIR बिना लिखे भगा देती है। बड़े नेताओं की तो भैंस भी ढूंढ लेंगी लेकिन जो चुराई हुई कारें हैं वो नहीं ढूंढ पाती, और इनका काम बस जनता को परेशान करना है। हाँ, मानते हैं कि चंद भ्रष्ट पुलिस वालों की वजह से पूरा सिस्टम बदनाम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सभी को गालियां देते रहें या फिर आप सभी पुलिस वालों को एक जैसा समझें। सोसाइटी में जब हम किसी बिगड़े हुए बच्चे को सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम उसे हमेशा अच्छे बच्चों के एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन मीडिया एक ऐसा रोल प्ले करती है जहां पर पुलिस वालों के सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इमेज को सामने लाया जाता है। पुलिस वाला रिश्वत लेते पकड़ा गया, या फिर पुलिस वालों ने गरीबों की रेडी पलट दी, या फिर पुलिस वालों की कस्टडी में किसी की मौत हो गई, या फिर पुलिस वालों ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया। अभी हमने मीडिया में ये न्यूज तो नहीं देखी कि उत्तर प्रदेश में
बुजुर्गों को जब घर से निकाल दिया था, उनके खुद के बेटों बेटियों ने, उनको एक एसआई ने अपनी जेब से पैसे देकर उनका काम धंधा खुलवाने में मदद की थी। या कभी ये न्यूज भी नहीं आई होगी कि एक फॉरेनर का जब पर्स चोरी हो गया था, उस समय जब वो पुलिस वाले के पास में कंप्लेंट लिखाने आया था, तो सभी हवलदारों सभी कांस्टेबल ने अपनी जेब में से पैसे निकाल निकाल कर उसको इकट्ठा करके दे दिए थे, ये बोलते हुए कि हम नहीं चाहते कि आप जब अपने देश जाओ तो हमारे भारत का नाम बदनाम करो। ये हम कभी मीडिया में नहीं देखेंगे, वो तो भला हो सोशल मीडिया का, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप है, वहां पर हम लोग फिर भी थोड़ी बहुत असली न्यूज हम देख लेते हैं। असली मीडिया ने तो जैसे ठेका ले रखा है पुलिस वालों को बदनाम करने का। क्या आप जानते हैं कि सारी स्टेट पुलिस को मिलाएं तो भारत में कुल 22,80,691 पुलिस वाले हैं सन 2017 के डाटा के हिसाब से, जिसमें से 86% पुलिस कांस्टेबलरी है। और कांस्टेबल्स के प्रमोशन की तो बात ही क्या है, उनको पूरे जीवन में एक या दो या मैक्सिमम तीन उनको प्रमोशंस मिलती हैं, जिसमें वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेड कांस्टेबल या फिर ASI बनकर रिटायर होते हैं। आजकल सिनेरियो फिर भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन अब तक तो यही होता है। अब आप खुद सोचिए कि अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद आपको प्रमोशन नहीं मिलने वाला, आपको उसी जॉब पे उसी कैटेगरी पर उसी सैलरी में काम करना होगा, तो क्या हमारा आपका मोटिवेशन डाउन नहीं हो सकता कैसे? दोस्तों ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो एक वीडियो में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लेकिन अब हम यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस के लिए, सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए और हम जनता का भी कौन सा फर्ज होना चाहिए। दोस्तों पुलिस की इमेज को सुधारने के लिए पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको 2009 में CJI का एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट बताता हूँ, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, नॉट अ सिंगल स्टेट गवर्नमेंट इज विलिंग टू कॉपरेट, वट कैन वी डू। और ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जहां पर साफ साफ बोला गया है कि मेनली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से पुलिस वालों की इमेज आज तक नहीं सुधरी है। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि कभी भी बुरे सिपाही नहीं होते, हमेशा बुरे ऑफिसर्स होते हैं। दोस्तों सुधारों में सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि सैकड़ों साल पुराना चल रहा है, उसको चेंज करना चाहिए। लोगों के फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ में उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पर भी ध्यान देना चाहिए और रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं जो करना चाहते हैं पुलिस की जॉब। गवर्नमेंट आज भी वो सैकड़ों साल पुराना अंग्रेजों वाला रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेकर बैठे हुई है, जिसकी वजह से मोस्ट एलिजिबल जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी पा ही नहीं सकते। इनका जो वर्क एरिया है उसको भी रेगुलेट किया जाए, पुलिस वालों की पावर्स को प्रॉपर डिफाइन करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात हो जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन उस लॉ एंड ऑर्डर में किसके ऊपर हाथ डालना है किसके ऊपर नहीं डालना है वो भी तो क्लैरिफाई। छोटे से छोटा पॉलिटिकल लीडर भी अपने आप को पुलिस वालों से साफ बचा ले जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स के लिए पुलिस की वैल्यूज अलग है और जनरल पब्लिक के लिए अलग है? इसको डिफाइन करना चाहिए। दूसरे देशों में जो कंट्री के जो रूल्स हैं, जो पुलिस के रूल्स हैं, वो सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो या फिर एक आम सिटीजन। आप हर बार अमेरिका यूरोप जैसे देशों से आप कंपेयर करते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हम लोग सच में वो वाला काम कर रहे हैं जो वो लोग करते हैं? और सबसे बड़ी बात है जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ना पुलिस वालों के साथ में, इसको चेंज करना चाहिए। बहुत दुख होता है ये सोच कर कि 769 लोगों पर एक पुलिस वाला है, जबकि एक सिंपल से छोटे से पॉलिटिकल लीडर पर, एक लीडर पर तीन तीन पुलिस वाले एक साथ काम करते हैं। और इनफैक्ट यहां तक बात है कि लगभग 50,000 लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे घूमते हैं। क्या ऐसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा? और इनके प्रमोशंस और इंसेंटिव्स पर भी काम किया जाए। जब कोई हवलदार या कोई कांस्टेबल या कोई भी पुलिस वाला, चाहे वो किसी भी रैंक का क्यों ना हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट कीजिए, उसको इंसेंटिव दीजिए, ताकि उसके अंदर की मोटिवेशन भी बढ़े। इनके जो वर्किंग आवर्स हैं उनको भी रेगुलेट करना चाहिए। हम सभी जानते हैं 24 घंटे की जॉब करना बड़ा ही हैक्टिक होता है, और उसके बदले में भी एक प्रॉपर सैलरी नहीं होती, घर वालों को प्रॉपर सुविधाएं नहीं होती, और इनफैक्ट बैंक भी लोन देने से पुलिस वालों को कतराते हैं, क्योंकि NMC कैटेगरी है उनके लिए, नॉन मैट्रिक कैडर, जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये जो पुलिस एक्ट है ना 1861, इस पर भी अमेंडमेंट की पूरी जरूरत है। और मेरे देश के नागरिकों, आपसे भी कुछ उम्मीदें हैं, उसको भी देखिए। रिश्वत देना बंद कीजिए, अपने काम को जल्दी कराने की कोशिश करना बंद कीजिए। अगर पासपोर्ट आने में प्रोसेस के थ्रू डिले होता है तो होने दीजिए डिले, क्या जरूरत है कि आप अपनी जेब से 100-200-500 रुपए आप इनको एक्स्ट्रा देंगे? गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बना रखा है, उस प्रोसेस के थ्रू काम करने दीजिए ना लोगों को। आपके पास गाड़ी के कागज पूरे नहीं होते और आप ही रिश्वत देते हैं, और जब वो पुलिस वाला आपसे लेकर जब वो अपनी जेब में रख लेता है तो आप ही उसे गाली दे रहे होते हैं, जबकि उसने तो एक तरीके से आपकी हेल्प की थी। नेक्स्ट टाइम अगर आप एक 2-व्हीलर राइड कर रहे हैं या फिर आप 4-व्हीलर राइड कर रहे हैं, तो हेलमेट पहनिए, सीट
बेल्ट लगाइए, ये सब चीज़ें आप ही की सेफ्टी के लिए हैं। अगर आपने किसी पार्टी में ज़्यादा मस्ती करके ज़्यादा ड्रिंक कर ली है तो मत चलाइए ना गाड़ी, क्या ज़रूरत है, कैब लेकर घर आ जाइए। दूसरी कंट्री में जब पुलिस किसी को सिग्नल देती है रोकने के लिए तो वहाँ के लोग प्रॉपर कोऑपरेट करते हैं, वो मांगने पर सारे कागजों को शो भी करते हैं और अगर उनकी गलती होती है तो उसको कन्फेस भी करते हैं और जो जुर्माना होता है उसको प्रॉपर जमा कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे देश में किसी को रोक लिया तो सबसे पहला सवाल, वो देखो वो वाला जो बंदा जा रहा है उसको तो आपने रोका नहीं, आप मुझे क्यों रोक रहे हो, जानते हो मेरा बाप कौन है, मेरा फूफा बदमाश है, मेरे चाचा विधायक है, मतलब कहाँ कहाँ के रेफरेंस ले लेकर चले आते हैं। और सबसे पहली बात अपना फ़ोन निकालेंगे, फ़ोन निकाल के ऐसे नंबर करेंगे और यकीन मानना दोस्तों 70% लोगों के नंबर ऐसे टाइम पर कभी मिलते ही नहीं है। ये करना बंद करो यार, अगर आपके पास कागज़ है तो शो करो, नहीं है तो उसे कन्फेस करो, चालान भरो। अगर आपके पास गाड़ी के कागज़ कंप्लीट नहीं है तो उसे सड़क पर उतारने का आपके पास लीगली कोई राइट नहीं है, इस बात को समझो। हमारी सिंपैथी कभी पुलिस के साथ नहीं होती क्योंकि हम खुद हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते, और जब वो रूल्स को फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं या आपको उसके लिए दंड देते हैं या आपको पनिश करते हैं तो हम खुद ही रिश्वत देकर हम वहां से छूटना चाहते हैं और बाद में गाली भी नहीं कोई देते हैं। मानता हूं कि चंद पुलिस वाले भ्रष्ट हो सकते हैं लेकिन बाकी जो ईमानदार हैं या जो ईमानदारी करना चाहते हैं उनको आप रिश्वत ऑफर करके आप उन्हें बदनाम करने की कोशिश तो मत करो यार, खुद को बदलो, देश अपने आप बदल जाएगा। महात्मा गांधी का कोट है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप चाहते हैं संसार में कुछ बदलाव हो तो आप वो बदलाव बनो। तो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आपको हमेशा देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।